राधे जी, चलिए तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू छोले वाली सब्जी जो पूरी के साथ खाई जाती है। ये मैंने छोले भी गोए थे रात को और ये मैंने आलू लिए हैं। तो अब मैं उबालने के लिए डाल दूँगी कुकर में। और अब मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। ये मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और अब इसमें नमक भी डालेंगे जिससे ये थोड़े से गल भी जल्दी जाएंगे छोले। और ये मैंने सूखे आंवले डाले हैं जिससे ये आलू छोलों में अच्छा कलर आ जाएगा। और ये मैंने प्याज लिया है, लहसुन इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये अदरक लिया है 1 इंच, पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने हरी मिर्ची लिया है, इसका भी पेस्ट बनाएंगे और काजू का भी पेस्ट बना लेंगे इन सब चीज़ों का। और ये देखिए मैंने 4 सीटी लगाई थी तो ये उबल चुके हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें आंवलों से। और अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये मैंने 2 बड़े चमचे तेल लिए हैं क्योंकि आलू छोले की सब्जी में तेल से ही अच्छी बनती है। ये मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा, राई, ये तेज पत्ता डाल दिया और लौंग, काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची आती है ना काली वाली, वो डाला है मैंने। और ये प्याज का पेस्ट डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर भुनेंगे जिससे इसमें कच्चापन नहीं रहे। और ये मिर्ची वाला पेस्ट भी डाल देंगे जो साथ साथ में ये भी भुन जाएंगे। और ये टमाटर का भी डाल दिया और इसमें नमक डाला है मैंने जिससे ये थोड़े से जल्दी भुन जाएंगे। ये भुनता है मसाला पेस्ट। तब तक हम ये छोले हैं इसको मैं थोड़े से मतलब लिए हैं मैंने थोड़े से और इसको पीस लिया है थोड़ा से दरदरा। और ये मैंने दही लिया है 1 कप, उसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर ले लिया मैंने 2 छोटी चम्मच। अब इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे जिससे ये दही फटेगा नहीं। और ये देखिए तो ये टमाटर और प्याज का पेस्ट तेल छोड़ चुका है तो ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें जो वो दही वाला पेस्ट है जिसमें मसाले मिलाए थे उसको थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको मिलाते रहेंगे अच्छी तरह जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। अगर ये उबाल नहीं आएगा और इसको छोड़ दोगे तो दही फटने का डर रहता है, तो इससे आप इसको हिलाते रहो चमचे की सहायता से। ये देखिए मैं मिलाती रही हूँ थोड़ा थोड़ा डाल के, तो अब ये उबाल भी आने लगा है इसमें। देखिए हमारा दही बिल्कुल नहीं फटा और ये इसमें उबाल आ चुका है। और अब इसको भी थोड़ी देर भून पकाएंगे। और जो साइडों में है इसको भी चमचे से हटा लेंगे मसाले को। और ये देखिए तेल छोड़ चुका है हमारा दही भी और ये चाले से पड़ गए, तो इसमें ये मसाला भी तैयार हो चुका है। ये देखिए खूब अच्छी तरह पक चुका है मसाला। हम जितना मसाले को पकाते हैं उतना ही स्वादिष्ट बनती है हमारी सब्जी। ये बिल्कुल तेल छोड़ चुका है मसाला। ये देखिए तैयार हो चुका है मसाला। तो अब इसमें हम जो वो ये देखिए अगर इसमें ये ऐसे जाले पड़ जाते हैं ना मसाले में तो समझ लो मसाले हमारे अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें काजू का पेस्ट भी बनाया था मैंने,
वो डाल दिया है और अब इसको भी मिलाएंगे। अगर आप काजू डालना चाहो पेस्ट तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो इसमें। और ये देखिए, ये भी काजू डालने के बाद में अब इसमें हम आलू छोले और जो पीसा हुआ छोले थे वो डाल देंगे। मैंने पूरे नहीं पीसे, थोड़े बहुत ही पीसे हैं। ये भी अच्छी तरह पक चुका है। अभी मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें जो पेस्ट था उसका बर्तनों में चिपका हुआ है उसमें पानी डाल के और इसमें डाल देंगे। और ये जो उबाला हुआ पानी है ना आलू छोले के, जिसमें मैंने आंवले डाले थे वो वाला ही पानी डाल देंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी में कलर अच्छा आ जाएगा। अब इसमें भी एक दो उबाल आने के बाद में ये देखिए उबल चुका है पानी, तो इसमें पीसे हुए छोले डाल देंगे। अब इससे क्या है हमारी सब्ज़ी में जो गाढ़ापन आता है ना वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा छोले पीस के डालने से ये देखिए कितनी अच्छी मतलब ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें ये छोले डाल देंगे और ये आलू भी डाल देंगे। मैंने आलू को थोड़ा सा मथ लिया था। अब इसमें पानी डाल दो, अगर आपको थोड़ी सी पतली पसंद है तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हो। ये मैंने गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डाल दूंगी इसमें और ऊपर से कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो आप इसको पूड़ी परांठे के साथ खा सकते हो। ये मैं